दिया तो कौन सा मेथड दिया हमने? अगर वहां से हम ऑक्सीजन को हटा रहे हैं तो स्मूदनिंग कर रहे हैं, अगर वहां से हम हीट को हटा रहे हैं तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जो चीज हम हटा रहे वही उसमें मेथड हो गया। बस इस ट्रायंगल को ब्रेक करना है आपको, जो आपने ट्रायंगल बनाया ना आपका, आप छोटी हो बड़ी हो, इस ट्रायंगल को हमें ब्रेक करना है। वो कैसे करेंगे? सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप किस प्रकार के हमें उस समय क्या करना, वो आपका दिमाग है। समझ में आ गया? घटनास्थल पर जाके कुछ दिक्कत ऐसी आ जाती है जो हमने पढ़ा वो काम नहीं आता। समझ में आ गया? ऐसी विषम परिस्थिति आ जाती है तो हमें जो हमने अभ्यास किया है, जो प्रैक्टिस की है, फिर वो यहाँ काम आई। हमें वहां पे कहीं हम माइंड दो तीन मेथड भी अपनाने पड़ सकते हैं, तीनों भी अपनाने पड़ सकते हैं, एक से काम चल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है आपका? यस सर। इसलिए हम बताते हैं मेन यही है, फायर चाहे आप गाड़ी से आप बुझाओ, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूशन से आप बुझाओ, चाहे एक्स वाई जेड आप किसी भी इक्विपमेंट से आप पढ़ाओ बुझाओ, तो तीन मेथड आपके काम करेंगे। क्लियर है आपका? ये तो सामने आपको दिख रहा ना, ये सब क्या है? इनको बोलते पीपीज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का। कौन कौन से? रेस्पिरेटरी और नॉन रेस्पिरेटरी। आपको वहां पे मुझे ऐसा लग रहा, ठीक है, सभी का सेफ्टी में जाने का रुझान है ऐसा लग रहा, अच्छा लग रहा हूँ। ठीक है, रेस्पिरेटरी किसको बोलते हैं? नॉन रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी में कौन कौन आते हैं? मास्क जो अपने कार्य के अनुसार कार्य चल रहा है उसके मुताबिक ये है ना, उसे रेस्पिरेटरी बोलते हैं। जो कार्य अलग कार्य है, रेस्पिरेटरी और नॉन रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी का मतलब क्या है? हाँ, जो हमारे श्वसन प्रणाली की सुरक्षा के लिए जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, क्या है? रेस्पिरेटरी।